स्वास्थ्यकर्मी सम्मुख योद्धांक परे वरिष्ठ नागरिकंकु आज द्वितीय पर्यायर कोरोना टीका दिआजिबो। 60 वर्ष बयसरु अधिक वयस्क एवं 45 वर्षरु अधिक लोक जो मानंकर किछि गुरुतर रोग अछि सेमानंकु टीकाकरणर अंतर्भुक्त करा जायछि एवं आजिठारु समस्त सरकारी हॉस्पिटल रे मागणा टीका दिया जाउथिया बेले घरै हॉस्पिटल रे प्रति डोज को 250 टंका हिसाब रे टीका दिआजिबो। परिचय पत्र देखाइ सरकारी हॉस्पिटल रु मागणा टीका नै पारिबे वरिष्ठ नागरिक एवं रजिस्ट्रेशन पई कोविन पोर्टल रे रजिस्ट्रेशन किंबा अन्य पटरे जदि चाहिबे ऑन द स्पॉट रे आपण रजिस्ट्रेशन करै सेठारे मध्य टीकार सुविधा आपण नै पारिबे। ए संपर्कित आमर स्वतंत्र आलोचना अछि वरिष्ठंको टीका। प्रथम पर्यायर कोरोना टीका दिया सम्मुख योद्धा एवं कोरोना योद्धा स्वास्थ्यकर्मी एवं परवर्ती समय द्वितीय पर्यायर जो कथा सरकार तरफ स्थिरीकृत हो वयस्क लोक द्वितीय पर्यायर टीकाकरण आज करा 60 वर्षरु अधिक वयस्क एवं 45 वर्षरु अधिक व्यक्ति जो मानकर किछि गुरुतर रोग अछि तार लिस्ट मध्ये दिया जाय छि सरकारी स्तर रे से अनुसार पंजीकरण आवश्यक पड़े कोविन पोर्टाल छड़ा जो मैंने जाणी नाहंती कोविन पोर्टाल रजिस्ट्रेशन से ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराई टीकाकरण कर स्वतंत्र व्यवस्था आज करा तबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली एम्स रे टीका नहीं सारी समस्त आह्वान टीकाकरण प्रति आकृष्ट होगापाई अंपटे कोरोना योद्धा कोरोना को लड़बारे निजर संपूर्ण सहयोग करने की अधिक आलोचना करने मो सहित अतिथि अच्छा पूर्वतन स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर सेवा महापात्र। डॉक्टर महापात्र आपन को स्वागत करूछि न्यूज एट नोडिया को। प्रथमतः द्वितीय पर्याय प्रथम पर्याय जेतबेला आमे आलोचना करूथिले केवल सम्मुख योद्धा एवं स्वास्थ्यकर्मी मानको टीका दिया जिबा नेके अंतर्भुक्त करा जायथिला टीकाकरण अंतर्भुक्त करा जायथिला एबे आपन मानको पाळी केमति को लागुछि आपनको प्रथम थरक जो टीकाकरण हेला आम प्रकृतर सम्मुख योद्धा टीकाकरण निहाती आवश्यक थिला तेणुक सरकार निर्दिष्ट भाव में कहले जो मैंने यही कार्यक्रम संश्लिष्ट रही आसी विगत वर्षे पाखापाखी है से मानक आम आग टीका दवा कारण आम आशा करूल आउ गोटे कोविड अगर गोटे पर लहर आसीपे आसी जाइ टीकाकरणटा पर्याप्त टीकाकरण ना बेस परिमाण रे टीकाकरण हो सारी किंतु आमर जो माने रही थे सीनियर सिटीजन माने वरिष्ठ नागरिक माने रही जाइए से माने सब आतंकित रहुथिले कारण 60 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बयस सीमारेखा थिले 60 वर्षटा वर्तमान पई किछि गोटे बेसी बयस नुह तेणुक लोक माने कार्यक्षम ए समय रे अन्य दिगर आप देखिए 60 वर्षरु ऊर्ध र जनसंख्या जदि देखिए पाखापाखि 10.2% आसिक पहुँची गला तेणु एम को जदि आम कार्यक्रम संश्लिष्ट करवा तेल से निश्चय उपकृत हे से द्वितीय पर्याय जो टीकाकरण आरंभ हो संश्लिष्ट करा भिन्न जो मानकर कोमॉर्बिडिटी अच्छी से मूर सामिल कर तार गोटे बयसर सीमा रखी कोमॉर्बिडिटी आम लाइफ स्पैन टे कमी जाए तेणुक 45 वर्षरु 59 वर्ष पर्यंत जो मानकर कोमॉर्बिडिटी थिबो केते उडिया रोगर मध्ये लिस्ट सरकार देइचंती ता भितरे जदि से माने सर्टिफाइड हेइथिबे से मानक मध्ये ए टीकारे संयुक्त करा जिवो एटा जो पदक्षेप निया जाइछि बेस स्वागत योग्य पदक्षेप निया जाइछि वर्तमान आमे अपेक्षा करिवा आमर ए 60 वर्ष ऊर्ध लोक मैंने किपर आसिक टीकाकरण करताटी कहले केते गुड़िया 60 वर्ष ऊर्ध व्यक्तित्व से मैंने आमर कोविन देहरे रजिस्ट्रेशन करने को सक्षम हो पारना तेणु से जो सुविधा करा टीका ग्रहण केन्द्र से मैंने डायरेक्टली रजिस्टर करें जो कार्ड अच्छी आधार कार्ड थी कि जेकोसी गोटे सरकारी नियम भुक्त कार्ड गोटे थी से कार्डटा देखिए से पंजीकरण करें सांगे सांगे टीका नहीं पारे ये समस्त पदक्षेप पर्यायक्रमे जो चली बेस स्वागत योग्य आ गए फलप्रद कम होशा कर
अच्छा मैडम आम वर्तमान आशा कर कि द्वितीय फेज रे किसी अवहेला हेबनी जमीक प्रथम फेज रे आम देखी प्रथम पर्यायर जो टीकाकरण करागला स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर मानक कि व्यतिक्रम देखा मिलला कहीं से 100% से इनवल्वमेंट रही समस्ते टीका ने किसी ना कि व्यतिक्रम सामना को आसला जहाँफल सरकार को बाध्य हो कि प्रति कड़ाकड़ी आभिमुख्य पोषण करने को पड़ा तापर ही स्वतस्फूर्त भाव में गले टीका देवाई सेमी किसी व्यतिक्रम आम नजर को आसबनी से नहीं कि सचेतन कर आवश्यकता देखु आप प्रथम पर्यायर आम आतंकित आशंकित कहीं प्रकार व्यतिक्रम होमर आ भितर आपण मानते केते गुड़े तर्क वितर्क हो सारी से दुईटा कैटेगोरी जो टीका आसला कोविन कोवैक्सीन आ कोवाशील्ड कोवाशील्डटा भुवनेश्वर व्यतीत समस्त आमर सहरांचल ग्रामांचल समस्त यहाँ वितरण कराला ये टीकाटा नापी कहगला किंतु कोवैक्सीन जोटा आसला केवल भुवनेश्वर बासिंदा कहगला ता भितर कहीं किसी गोटे मेसेज छाड़िले जो कोवैक्सीनटा एत इफेक्टिव नुह कारण तार तृतीय पर्यायर जो परीक्षणटा सरी नथिला जदिओ सरकारी स्तर से माने ताकु उपयोग करिवा पई उपदेश देथिले किंतु तृतीय पर्यायर जेहेतु तांकर परीक्षण सरी नथिला सेथिमै लोकमानक मनरे गोटे दिधा आसिला आस्ते आस्ते तुंडबाइद सहसखस जणे जणकु जणे जणकु कम्युनिकेट कलारु आमर योद्धा माने किछि ओहरी गले से माने आग पर एते खुशी रे आसिकरि टीका ग्रहण करियाकु उचित मन कले आ चिंता कले जेतेबेले कोवैक्सीन आसवा आम से टीकाटा ग्रहण कले आमको बोधे भल गोटे इम्यूनिटी आम देहर हो पार एमती मन भितर के जो आम कौच गोटे क्रॉस फाइटिंग से प्रकार गोटे हेलारु एटा टिके कमीगला धीमेगला किंतु पर पर्यायर से मैंने समस्ते आसिक टीका ग्रहण करते आमर जो सरकार जो ने जो पदक्षेप जा मानी स्ट्रिंजेंट पदक्षेप कही जापर से आम को खास लगुन कारण से जब मोटिवेशन टा ठीक भाव में आम कही था दुईटा टीकार किसी विशेष प्रभेद ना आ टीकाटा केमी प्रस्तुत हो तार प्रणाली आम बुझे था जमी पर समय बुझाई पारा आ लोक मैंने बुझीगले ताहले एते गुटे व्यतिक्रम हो न था वर्तमान जो पर्यायर द्वितीय पर्याय आरंभ हो आशा करोसी व्यतिक्रम हम ना का भा जदि किसी हो पाए किंतु कौन व्यतिक्रम होनी कारण बै दिस टाइम तृतीय पर्यायर परीक्षण मध्यम सरी आसी आजल्टा जदि आपण मान पाखे पहुँची मुझेपरिनी कि आम पाखे किसी पर पहुँची सारी जे तार परीक्षणटा ठीक भाव में ग्रहण कर से जहाँ हूँ आम तो आशा करवा वर्तमान कि द्वितीय फेज टीकाकरण सफलतार सह होमी कि व्यतिक्रम आम नजर को न आसु डाक्टर महापात्र टी आप रोकवाक चाहिए आम सहित जोड़ी हो जाइंट इम्यूनोलोजिस्ट प्रोफेसर ज्योतिरंजन परिडा प्रोफेसर परिडा आपको स्वागत करोड़िया द्वितीय फेज टीकाकरण आज आरंभ हो जो टर्म्स एंड कंडीशन्स रही टर्म येज्रे 60 इयर्स रु एबव जो माने ओल्ड एज पीपल रही कि जो माने 45 इयर एबव जो माने अच्छा कोमॉर्बिड केस जो मानकर अच्छी से मानको एथिरे अंतर्भुक्त करा जाइछि ता छोड़ा केते गुड़े विशेष व्यवस्था मध्य से मानको पाई करा जाइछि केते गुड़े सुविधा से मानको दिया जाइछि जदि कोविन पोर्टल से माने रजिस्ट्रेशन करू नहंती ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन मध्य करा जाउछि पूरा व्यवस्था को आपण केमे देखुछंती देखो प्रथम तो ये जो टीकाकरण को नहीं बहुत मत पार्थक्य देखाई लोक मान लगुला कि जो मैंने एल्डरली अच्छा जो मैंने विभिन्न दुरारोग्य पीड़ित अच्छा ये वैक्सीन टा सेफ अच्छी ना से ना उचित कि ना जदि आम देखा कोविड परिप्रेक्षी में कोरोना परिप्रेक्षी में कोरोनाटा सबुठ डेंजरस क्यापाई कौन पर आम कोरोना को ये डरुचु ना कोरोना जो लोक मैंने एल्डरली अच्छा जो माने विभिन्न कोमॉर्बिड कंडीशन अच्छा बा एक रु अधिक दुरारोग्य पीड़ित अच्छा ये माने मृत्यु मुखर पड़ार चान्स असुविधा से आमर जो मृत्यु हार जहाँ भी देखुं पखापाखि 90% डेथ हो क्षेत्र में तेणु जदि करोनार वैक्सीनेसन क्या आम चिंता करूचे करोनार मृत्यु हार को चिंता करूचे रोकियापाई जो वर्गर टीकाकरण निहाती दरकार जहाँपाई सरकार प्रथम अन्य लोक मान टीका दबा आगु ये मानू टीका देवाई ठीक कर द्वितीय नंबर है जो व्यवस्था कहते कि
आउ एल्डरली पीपुल जो अच्छा जो संख्या भी बहुत अच्छी पाखापाखि 26 कोटी लोक टीकाकरण करने उद्यम करा तेणु ये गोटे व्यापक व्यवस्था दरकार आउ ये जो कोविन आप आउ गोटे जिनस कि ये डबल डोज टीका आप गोटे डोज टीका ने आपको सफलता मिलनी तेणु जदि आप गोटे डोज टीका नौ आप ट्राकिंग हाँ दरकार किए नौ टीका एक्जाक्टली से टीका कारण आप बहुत अलग अलग टीका अच्छे जमी कोवाशिल्ड अच्छी कोवाक्सीन अच्छी तेणु कोविशिल्ड नौ कोवाक्सीन नौ जो टीका नहीं 14 दिन पर टू विक्स पर से टीका ने तेणु यही जो जिन गोटे ट्राक रखापी जो कोविन आप कथा कहुई कि सब एल्डरली लोक गाँ गली से जो आप डाउनलोड करवा रजिस्ट्रेशन करवा प्रक्रिया को हम जापर तेनाली व्यापक प्रस्तुति कराई कि जदि से डायरेक्ट टीकाकरण केन्द्र को गले से लोक थे जी आपरे हेल्प करेंगे तेणु सरकार ये जो पदक्षेप निहाई कि एल्डरली पपुलेसन को दवा आउ जो कोमरबिड पपुलेसन को दवा यहाँ गोटे निहाती दरकार कारण करोनार भयावहता कमाक आमको एम को हाई रिस्क कैटेगोरी एम को टीका देवाटा बहुत जरूरी द्वितीय नंबर है जो करोनार जो सेफ्टी को लेकिन जदि एफिकासी को आम बर्तमान पर्यटन जाणिने कारण यहाँ टीका नेलार मिनिमम 4 मास 6 मास लगे जानापी जो टीकार कौन इफेक्ट रोज करोनार जो नुआ नुआ स्ट्रेन बाहर डेली आपन जानते कल बुर्लार भी बहुत गुड़े केस बाहर जो कंटेनमेंट कराई तेणु यही परिप्रेक्षी जो परिप्रेक्षी गोटे सेकेंड वेव्र डर आसूस महाराष्ट्र में केस बढ़ी बढ़ी चलती यही परिप्रेक्षी आम जिते आम पाखे जहाँ बर्तमान लड़ाक अस्त्र अच्छी से टीका तेनालीस प्रकार त्वरावित करी जो प्रक्रिया को आमको चलचंचल करा पड़ो लोक मेरे पहुँच मिनिमम 70-80% लोक टीका दबाक पड़ो तेणु मुझ भावे यहाँ निहत भाव गोटे भल पदक्षेप जो 10,000 गवर्नमेंट सेन्टर है 20,000 प्राइवेट सेन्टर है आउ से विभिन्न प्रकार व्यवस्था कराई गोटे पैंडेमिक टाइम रे सरकार तरफ मत लगुच आम समस्ते स्वागत करा कथा किसी आपको टीका नापी बेस डर दरकार नहीं जमी कहली जदि एफिकासी आम एपर्त जाने कि सेफ्टी वाइज एपर्तन अलरेडी लक्ष लक्ष लोक नहीं सारे टीका तेणु प्रथम अवस्था जो डर लगुला जो आप आलोचना करते कि लोक मैंने प्रथम टीका आसला टीके भितर संशय भाव थ डर भाव था कारण आम पाखे फेज 3 ट्रायल डाटा नाला कि मुझे एवं आम पाखे जो डाटा अच्छी आम पाखे लक्ष लक्ष लोक नहीं कि वैक्सीन सेमती किसी पार्श्व प्रतिक्रिया सहीटा जेकोसी थर्ड फेज ट्रायल टू बेसी आमको आश्वासन दवा कथा बेसी आमको निर्भीक करा कथा ना ये टीका ने बेस किसी डर दरकार नहीं प्राय प्राय समस्त नहीं पारे जहाँ को आलर्जी ना जहाँ को ये ना समस्त आज टीकाकरण केन्द्र नहीं पारे तेणु आज जो टीकाकरण आने मुझे भावुँ करोना विरोध जो लड़े चली जो आज जो पदक्षेप अच्छे यहाँ निहत भाव जब लोक मैं योगदान देखे गोटे निर्णायक युद्ध हम तापर जमापड़े कौन के इफेक्ट हो मत लगुच आज जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया आरंभ हो डेफिनेटली समस्त स्वागत करा कथा जिते संभव चेष्टा करया त सफल करया पय निहाती भाबरे आमे मध्ये आशा करिबा कि वर्तमान ए जो टीकाकरण करा जाउछि वयस्क व्यक्ति को एवं साधारण वर्ग रे प्रथमे वयस्क व्यक्ति को चयन करा जाइछि टीकाकरण पय ताकु समस्त स्वागत करिबा कथा एवं सेतिर समस्त सक्रिय भाबरे निजर अंशी भाग जोग देबा कथा एवं सेही हिसाब रे आह्वान मध्य करि सारिछथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वरु टीकाकरण कार्यक्रम रे शामिल होइ आजि तबे ए संपर्कित आलोचना परवर्ती समय रे मध्य करिबा समय होइ जाइछि नै जिबा क छोट बिरति विरति पर स्वागत आलोचना आग को नेबा डाक्टर महापात्र गोटे जिनस वर्तमान पर्यंत समस्त मन में द्वंद्व रही एवं तो केवल गोटे स्ट्रेन आम नजर में ना दुई चारिटी स्ट्रेन सामना को आसला साउथ आफ्रिकार स्ट्रेन वर्तमान ओडिशा देखा मिलला ब्रिटेन स्ट्रेन पूर्वर आसला ब्राजिल स्ट्रेन भी भय रही एत गुड़े नुआ स्ट्रेन भितर कोरोना टीका केते दूर सुफल दे पार से नहीं कि कन्फ्यूजन समस्त मन में रही बर्तमान ए विषय चर्चा केते समय हो सारे एबे जो तीन टा नुआ स्ट्रेन आसी कहुचे यूके स्ट्रेन टा टे अधिक भिरुलांट किंतु
ବ୍ରାଜିଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନରୁ ଉହ କରିପାରିବାନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲି ଭିରୁଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଯଦି ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିଲା, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ 50 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖିବାର କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବାନି ପରୀକ୍ଷା ନକରି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି କାହାକୁ ଆସିକରି ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। କାହାର ଟିକେ ଟିକେ ଦେହ ଯଦି କସମସ୍ ହେଲା, କାହାର ଟିକେ ମସଲ୍ ପେନ୍ ହେଲା, କାହାର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ତଟି ଗତଗତ ହେଲା, କି କିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକରୁ ଟିକେ ପାଣି ବୋହିଲା, କିମ୍ବା ସ୍ଲୋ ଫିଭର ଗୋଟେ ହେଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଦିନ ଅପେ ବହୁତ ଆମ ଦେହକୁ ଆସେ ଆଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି କେଉଁଟା ଆସିକରି ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ଆମେ ଖାସ୍ କରି କିଛି କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ଯାଇକରି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ନେଇକରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କାରଣ COVID-19ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଲା, କି ଏବେ ହେଇଟି ଯେଉଁ VSS ସୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଆମର 27 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଗଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ, ଏଠି ଆମର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦୁ ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମିତ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକିରି ଏମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଆଉ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ କଥା, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେଣି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, କ୍ରାଉଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବେନି, ଏସବୁକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ମାନିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେହି ମାନିଲେନି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଟୀକା ନେବା ସେ ଟୀକାଟା ଆଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିରୁଲାନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ସଙ୍ଗୀନତା ରହିଛି, ସେଇଟା ହୁଏତ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦି ଡିଜିଜ୍ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରିବାନି ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଫାଇଣ୍ଡିଂ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାନକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଦେଖିନି। ଯଦି ଆମର ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସୁଧୀରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା କହିବେ, ସିଏ ହୁଏତ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ପ୍ରଫେସର ପରିଡ଼ା, ସେ ନେଇକି କିଛି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଏନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆଇଦର ଗୋଟେ ତାର ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହଉ ବା ଡିଏନ୍ ହଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଏନ୍ ହଉ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଣ୍ଟିବଡି ମାନେ ତାର ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଇଟା ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ତିଆରି କରାଯାଉଛି କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ତାର କଭର୍ ହେବେ। ନିମୋନିଆର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ନିମୋଭାକ୍ସ 23, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 23 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦରକାର। ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଡାଟା ନାହିଁ, କାରଣ ସଠିକ୍ ଡାଟା ଆସିପାରିବନି, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହୁଏତ ଯେଉଁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହୁଏତ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷେ ପରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନକରି ତାକୁ ନେଇକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେମିତି ଭିରୁଲେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ହଉ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ରେଟ୍, ଯଦି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କମେଇବା, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କମେଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମେଇବା ବା ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟା କମେଇବା। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଖା ହେଇଛି କି ସେମାନେ ହୁଏତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କମେଇ ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଭିରୁଲେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କମେଇବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହେଲେ
जहाँ तो आलोचना चलो सेटा जो मैंने साइंटिस्ट अच्छा जो मैंने वैक्सीन तैयारी करते जो मैंने इनवल्व अच्छा से मैंने करेंगे लोकों पर दुटा जिनस जाणी दरकार वर्तमान आम पाखे जहाँ वैक्सीन अच्छी आम नहींक लड़ाक पड़ो द्वितीय नंबर है गोटे आम जेनेटिक मैपिंग दरकार आम खाली कहे ब्रिटेन ने साउथ आफ्रिका ब्राजिल स्ट्रेन नहीं किए जाणी महाराष्ट्र में नुआ स्ट्रेन आसनी तेणु जेपर्यंत आम देश में भी से भाया जेनेटिक सिक्वेन्सींग बहुत फ्रिक्वेन्टली न हो सब लोक मैंने दरकार नहीं आपड़ जो पकेट्रे एमती गोटे नुआ स्पाइक होती पकेट्रे गोटे रैंडम सांपलींग कर किसी लोकों जेनेटिक टेस्टिंग करा पड़ो थ्रू आउट द देखो आपड़ केरला गोटे हुए तो डिफरेन्ट स्ट्रेन चलती महाराष्ट्र में डिफरेन्ट चलती तेणु आपको जाना कहले आम जमी भैक्सीनेसन कैंपेन को भारत सरकार बहुत प्राधान्य दे आगे सेमती गोटे जेनेटिक सिक्वेन्सींग जोटा हो आमको बहुत आगे पड़ो आलग राष्ट्र गुड़ाक आमको देखा पड़ो जो आमर देश में कौन स्ट्रेन चलिए से ही नहीं कि वैक्सीन तैयारी करा पड़ो नेक्स्ट वैक्सीन अच्छा प्रोफेसर आउ गोटे प्रश्न आम मन को आसूची कि जिते बेले आमे फर्स्ट फेज रे देखी थिलु जिते बेले कोरोना वॉरियर्स आउ स्वास्थ्यकर्मी मान को दिया जाय थिला टीका दिया जाय थिला सुस्थ व्यक्ति देह रे टीका दिया जाय थिला एवं तांको 30 मिनिट ऑब्जर्वेशन रखिला परे सेमिति किछि विशेष साइड इफेक्ट नजर को आसी नथिला साइड इफेक्ट संख्याटा शून्य थिला किंतु एबे जते बेले दिया जिवो ओल्ड एज पीपल मानको किबा जो माने को मॉर्बिड केस अछंती से मानको दिया जिवो साइड इफेक्ट अधिक देखा जिबानी सेमिति किछि आशंका करा जाउछि कि देखो मैक्सिमम वैक्सीन जो एडल्ट वैक्सीनेशन आम कह सब 60 वर्ष पर दि जाए आप फ्लू वैक्सीन कहतु निमोनिया वैक्सीन कहतु एगुड़ाक सबुर इंडिकेशन है एल्डरली पीपल मानक दि जाए कारण से इनफेक्शन हमारे रिस्क अधिक अच्छे तेणु मत लगुन यहाँ भी गोटे इनआक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन जोटा आम दौचे कोवैक्सीन दौचे कोविशिल्ड भी एगुटा सब जगह है इनआक्टिवेटेड फर्म अच्छी ए किसी आक्टिवेटेड कोरोना वैक्सीन नहीं आपड़ा जब इम्यूनिटी कम थी तेल आप इनफेक्शन होवार चांसेस अच्छी तेणु जेहेतु यहाँ इनआक्टिवेटेड वैक्सीन तेणु मत कौन डर लगुनि कि एल्डरली लोक मानक दे कि असुविधा हम जेकोसी वैक्सीन दिखुद आप फ्लू वैक्सीन देर इज ए रिस्क कि 10 लाख लोक ने हूँ गोटे दुटा लोक गोटे आनाफालेक्टिक रिएक्शन हो पाए गोटे डिमेलेटिंग डिजीज हो पाए कि रिस्क नवाटा चलो तार जो बेनिफिट को दृष्टि रखा जीवन में आम जहाँ भी करूँ रिस्क बेनिफिट रेसीो करूँ जो वैक्सीनेशन अच्छी पर्टिकुलरली हाई रिस्क कैटेगोरी को आम वैक्सीनेशन जैक बेनिफिट आशा करा जो कहली 10 लाख दुटा तीन टा लोक कि असुविधा हो पाए तार रिस्क टू बेनिफिटा जथेष अधिक आई मु पर्सनली ये जो वैक्सीनेशन कैंपेन गोटे स्ट्रंग सपोर्टर कि नहीं आमको ये जो कोरोना भाया जो भी आम आपड़ी कहते कि नंबर गणिया को हुए तो न पड़ू आउ किसी दिन पर जमी आम किसी दिन तले नंबर गणुते कि डेली टीवी स्क्रीन देखुले केते केस है केते डेथ है तो ताकू जदि प्रिवेंट करिया चाहते आम जिते जल्दी पारिबा आमर जो मैंने वयोज्येष्ठ लोक अच्छा सीनियर सिटीजन मैंने अच्छा पर्टिकुलर जो मैंने 45 वर्ष ऊर्ध मल्टीपल रोग समय ना समअप करवा बर्तमान जो वैक्सीनेसन व्यवस्था करकार तरफ तो समस्ते स्वागत करोथ प्रवृत भाव समस्ते सामिल होगा नहीं अपील कर प्रधानमंत्री तरफ आम सचेतनता निजे सचेतन हो समस्त जो निमावल रही निमावल सठिक अनुपालन सह कड़ाकड़ी भावे से व्यवस्था को आपणवा आवश्यक ताहले ही आम संक्रमण को किसी मात्रा रे रोकी पारिबा एवं जदि संक्रमित होउछंती परवर्ती समय रे तार इफेक्ट एते रहिबो नाही जहां आम आशा करूछे बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर परिडा एवं डाक्टर महापात्र आम सहित आलोचन भाग नहीं थी समय सरी स्वतंत्र आलोचना को ये रखुचु नमस्कार।